फाइनल विंडो कुछ इस तरीके की लग रही है, और ये अभी मैं खोल कर दिखाता हूँ। इस तरीके से जब आप खोलेंगे तो इसमें ये कूलर का साइज़ है, और इसकी जो हाइट है वो 24 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंच, यानी कि 2x2 फीट का ये खाना छोड़ा जाता है कूलर के हिसाब से। इसमें छटकनी लगा के इसे इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, उतना ही खिड़की खुलेगी जितनी ज़रूरत। वेलकम टू माई चैनल एस के कारपेंटर एंड फर्नीचर, मेरा नाम है शायद। आप लोग देखेंगे आज इस पूरी वीडियो में, जैसे विंडो होती हैं उन पर हम कूलर लगाते हैं, तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं और किस तरीके से विंडो बनवानी चाहिए उसके कूलर के हिसाब से, अगर आपको चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। चलते हैं वीडियो की तरफ। पुरानी विंडो कुछ इस तरीके की थी ये, फिर इनको निकाला और नई लगाई गई थी, और इनको अभी निकाला जा रहा है। इसका जो साइज़ है वो टोटल 5.5 फिट है, और 3.5 फिट इसकी जो है चौड़ाई है, और इस तरीके से ये लेना है। और इधर भी खिड़की हैं और उधर भी खिड़की हैं। इसमें क्या रहता था, जब हम इनको कूलर लगाते थे तो इनको दोनों को पूरा खोलना पड़ता था, तो साइडों में से मच्छर जाते थे। अब उसी के हिसाब से बनाया गया, जितना बड़ा ये कूलर का खाना होता है उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो उसमें क्या रहेगा, जितना हमें कूलर लगाना उतने ही 2 खिड़की खोल के अपने कूलर लग जाएगा। अब भी इस तरीके से बना सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, और तभी अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से अब इसकी नाप तोल करने के बाद, पूरा मैनेजमेंट करने के बाद, ये लकड़ी काट ली गई है। इनमें खिड़की की लकड़ी है, ये कुर्जी है और फ्रेम है। ये इधर जो है बेडिंग है चौकोरा, और इसमें अभी जो है दूसरे वाले चौखट में क्या है कि अभी ये जो चौखट है इसमें इस तरीके से बीच में 2 लकड़ी डाली गई हैं, तो इसमें सिंगल पल्ला आ जाएगा इधर और इस तरीके से। और ऊपर देखेंगे आप तो एक वेंटिलेटर छोटा सा इधर दिया गया है, एक साइड में सिंगल पलना, बीच में जो है वो कूलर के हिसाब से, तो उसमें 2 खिड़की हो जाएंगी। आप भी इसी तरीके का ले सकते हैं, और यही विंडो इस तरीके का है, और दूसरा वाला जो विंडो वो भी इसी तरीके का सेम लिया गया है। आप इसी तरीके से लेंगे तो आप भी इस तरीके से बनवा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं बस। और ये कूलर का जो साइज़ होता है, जो मुंह का जो साइज़ होता है, वो आपको मैंने फिर बता दूं, जो 21 इंच होता है तो उसकी चौड़ाई होती है 21 इंच, और 24 इंच यानी 2 फिट उसकी हाइट होती है, यानी कि 2x2 फिट का ये खाना छोड़ा जाता है कूलर के लिए। तो इसमें सही कूलर अपने आ जाता है, और जब कूलर आ जाएगा तो इसमें उतना ही, जैसे कूलर की जगह ही इतने खोलने के बाद अपने कूलर इसमें रख सकते हैं। एक वेंटिलेटर इसमें दिया है ऊपर, और ये कूलर के लिए है, और इधर साइड में ये है। अब ये क्या है कि लकड़ी जो मतलब जो विंडो है उनकी बन चुकी है, और उसमें जो विडिंग भरी जा रही है। ये बिल्डिंग भरने के बाद कुछ इस तरीके से हमने ये फिर इनको सेट किया, मतलब फंसाया इन पल्लों को, देखना पड़ा कि कहीं रैच और कहीं वो तो नहीं है। और इस तरीके से इस वाली विंडो के तो पल्ले फंस गए, और दूसरी वाली विंडो के यहाँ रखे हुए हैं नीचे, तो ये भी उस तरीके के उसमें फंसेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा इस तरीके से, और अभी इनमें शीशा और चटकनी, हैंडल, कब्जे, ये सारा काम रह गया इनको सेट करने के बाद। अभी देखें इसी तरीके की ये दूसरी वाली विंडो के पल्ले रखे हुए हैं, तो ये भी जाके उस तरीके से सेट हो जाएंगे, और इस पर इस तरीके से ही सेट होने। ऊपर आपने देख ही लिया है, इस तरीके से आपने ले सकते हैं, और ये सेट इस तरीके से होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब इनमें शीशे का और चटकनी का और अपने कब्जे वब्जे का काम रहेगा। ये सेट करके देखे जाते हैं, जैसे कहीं रैच वैच अपने होना इस तरीके से। ये वेंटिलेटर का है, ये ऊपर भी एक वेंटिलेटर है, ये पहले का था और ये अभी नया बनाए गए, तो उसमें क्या रहेगा, जितनी हमें ज़रूरत है जैसे कूलर रखने के लिए उस तरीके से आप खोल सकते हैं। सेम उसी तरीके का बना हुआ है, और इधर भी इसी तरीके का बना हुआ है। आप भी इसी तरीके से डिज़ाइन ले सकते हैं, तभी आपको इस तरीके का कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इस तरीके ये है इस साइड में इस तरीके का, और उस साइड में भी इसी तरीके का था। अब ये हैंडल, चटकनी और कब्जे लग चुके हैं, और इसमें प्लस शीशा भी लग चुका है, फाइनल हो गए। और ये फाइनल होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। इनमें क्या है, जो ग्लाइंडिंग होती है, मतलब जो ग्लाइंडर से चमक मारते हैं, तो वो चीज़ भी हमने मारी है। उस चीज़ में अभी नहीं समझ में आया होगा, तो ग्लाइंडर जैसे मारते हैं उसका वीडियो अलग से मिल जाएगा आपको YouTube पे, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं ग्लेंडर किस तरीके से मारते हैं। तो उसमें क्या रहता है, थोड़ी खिड़कियों में थोड़ी चमक और फिनिशिंग आ जाती है, तो उससे पेंटर को आसानी रहती है, पेंट या पॉलिश आपने कराएं तो उस तरीके से चमक आ जाती है। और इधर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, और ये देखें कितना प्यारी विंडो लग रही है। इस तरीके से आप लेंगे ना, तो इसमें क्या रहेगा, जैसे ये छोटा विंडो है तो इसी को उतना ही खोल लें जितना अपना कूलर आ जाए। जैसे कूलर के लिए इसका साइज़ मैंने आपको, ये ऊंचा नीचे जो विंडो अभी दिख रही है आपको, इनमें रोक लगेगी और ये लेवल हो जाएगा। अब ये रोक वोक लगने के बाद साइडों में अब ये फाइनल हो गई है। ये कूलर वाली विंडो है छोटी, इसका साइज़ मैंने आपको वीडियो में बता दिया, और चाहे तो मैं एक बार और बता दूंगा। इसकी जो ऊंचाई है वो 24 इंच है हाइट जो है,
और जो जो उसकी चौड़ाई है यानी 21 इंच यानी कि 2.25 फीट बाई 2 फीट का ये खाना होता है। इसमें चटकाई लगा दी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगनी चाहिए क्योंकि बारिश की वजह से अगर ईंट विट जाती हैं जैसे कोई दिक्कत आती है तो आती नहीं है। ये छोटा सा वेंटिलेटर ये ऊपर खुलेगा इसी तरीके के सेम, और इसमें अपने विंडो में ये रोक फोक लगा दी। इसमें क्या होगा कि जैसे अब आपको ऊपर की विंडो नहीं खोल रही हैं तो नीचे नीचे की विंडो खोलने के बाद इसमें अपने कूलर लग जाएगा। इस तरीके से इसकी भी चटकनी करनी है। अभी इसमें देखेंगे थोड़ी सी तो ऐंट आ रही है, अभी ये थोड़ी लगने में दिक्कत हो रही है। हवा के लगाने के बाद कुछ ये साइड का सिंगल पल्ला है, इसकी जो हाइट है मतलब टोटल ये चीज़ जो ऊंचाई है और ये 40 इंच है, और इसकी जो ये जो थी अपने जो चौड़ाई इसी वाले पल्ले की ये 11 इंच 400 थी, और इसकी जो ऊंचाई थी वो 40 इंच थी। ऐसी दो चटकनी इसमें लगाई हैं ऊपर और नीचे, इसी तरीके से मैं आपको साइज़ भी बताता रहूँगा। और ऐसे देखेंगे तो इसमें सिंगल पल्ला दिया, चाहे तो आप इसे खोल सकते हैं, ऐसे हवा वावा लेनी है कभी तो खोल सकते हैं, बाकी इसको बंद ही रखें तो ठीक है। जितना जैसा कूलर लगाना है तो उतना ही सिर्फ खुला रखें, जैसा कूलर लग जाएगा तो वो भी बंद हो जाएगा। कूलर के लिए बनाई गई हैं और इसी तरीके से आप भी ले सकते हैं, दूसरी वाली भी इसी तरीके से बनाई गई है। उसमें चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको इसका जो वेंटिलेटर का साइज़ था ऊपर वाले का, वो इस चीज़ में भी मैं आपको बता दूँगा। ये जो साइज़ है इस तरीके से सेम कंडीशन है, बस क्या कि सिंगल पल्ला इस वाले हैंड पे था राइट हैंड पे, अब ये राइट की बजाय ये लेफ्ट में आ गया और इसी तरीके से लिया है। आप भी ले सकते हैं तो आपको और समझ में आता रहेगा। और इसी तरीके से अभी मैं देखूंगा ये आपको, तो ये भी कूलर वाली उसी साइज़ की और उसी डिज़ाइन की है। इसमें भी रोक वोक लगा दी है, आपको जैसा कूलर रखना है तो अपने इसको खोल के अपने कूलर लगा सकते हैं, आसानी से लग जाएगा कूलर। कूलर लगाने के बाद अपने अगर जैसे आपका काम ख़त्म हो गया और आपको ठंड आ गई है तो इस तरीके से आप ये लगा सकते हैं, सर्दी आने पे अपने ये खिड़की लगा सकते हैं कूलर अपने हटा के अपने, इस तरीके से आपको आउट भी नहीं लगेगा और बद्दा भी नहीं लगेगा। आप इसी तरीके से फिनिशिंग अपने ले सकते हैं। ऊपर का जो वेंटिलेटर का साइज़ है वो आपको मैं बता दूँ, 14 इंच इसकी चौड़ाई है और 21 इंच इसकी पूरी लंबाई है जो इस तरीके से दौड़ा है, और ये जो हाइट है इसकी ये अपने इस तरीके से लेके इसमें चटकनी लगा देनी है, दोनों तरफ चटकनी लगानी है इधर भी और इधर भी, और इसकी भी सेम वही साइज़ है वही चौड़ाई है। इसकी लंबाई है 40 इंच और इसकी जो चौड़ाई है 11 इंच 400, आप उसे इस तरीके से ले सकते हैं। और इसमें भी दो चटकनी लगाई हैं, चटकनी लगने के बाद इस तरीके से लगेगा और ये खोलने के बाद अपने इसे इस तरीके से लगा सकते हैं, और जैसे अपना काम ख़त्म हो गया जैसे अपने हवा फवा लेने के बाद अपने इस तरीके से बंद कर सकते हैं। फाइनल कुछ इस तरीके की लगती है, और आप इस पूरी वीडियो में और अपने समझते रहेंगे तो और अपने समझ में आता रहेगा। देखें इस तरीके से चटकनी लगाने के बाद ये अपना ये हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो इस तरीके से एंजॉय करते रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SK कारपेंटर एंड फर्नीचर, प्रेस द बेल आइकन ऑल सेलेक्ट लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए।